सर पे लगाइए इसे, नहीं आपको पहननी नहीं है, सर पे लगाइए, सर पे लगाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि है सर। रवि जी जरा बेल्ट लगा लो। क्या नाम? सर आप यहाँ के कैसे लालू जी को नशा बता कराए क्या? नशा फसा कर लेते हैं सर जी। क्या कर लेते? कौन सा नशा करके आए हो? सही से बताओ, सस्ता वाला बढ़िया वाला? नहीं यही सस्ता वाले कर लेते हैं। कौन सा सस्ता है सर? कितना बड़ा गोला लिया? कितना? 5 रुपए तक की खाते। 5 का कितना बड़ा आता है? कितना बड़ा आता है? झेल लेते हो उसे? आदत मत डालो, शरीर बेकार हो जाएगा। शरीर बेकार है। फिर क्यों खाते हो इतनी भांग भांगी? बहुत चाहते है, कोई ना कोई जब छुड़ाना चाहते है, कोई ना कोई चिलम बारह मिल जाएगा। अरे चिलम भी मार लेते हो? ऐसे ही मारते हैं छठे चौमासे की शौक। अच्छा, हम लोगों को ये सीख सिखाते हैं कि गलत काम से दूर रहें। सही बात है। और अपनी गृहस्थी संभालें अच्छे से, प्रेम भाव रखें, गलत चीजों की तरफ ना बढ़े। हमारे प्रवचन आते हैं टीवी पे, आपने कभी देखे होंगे? देखते हैं, देख रहे तो हम तो बहुत नहीं करते, हमारी घरवाली नहीं करती, लड़ाई हो जाती है। तो टीवी पे देखना, स्टार न्यूज पे हमारा आता है, बाबा सत्तूदेव नाम से। अच्छा, बाबा सत्तूदेव याद रहेगा? हाँ। तो हम बाबा सत्तूदेव हैं, हम हमारा ही चलता है उस पे चैनल, प्रवचन करते हैं बढ़िया। कभी देखना, आपको मन को शांति ना मिल रही हो, कोई बात हो घर में, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो कभी चला के देखना, आपको बड़ी शांति मिलेगी, उल्टी सीधी चीजों से छुटकारा मिलेगा। हम ऐसे कोई वैसे कोई चीते गली थी, कोई नहीं, कोई खातो, कोई करतो रहे, हमने क्या मतलब? इन चीजों से थोड़ा परे रहें आप, नहीं तो जो सुख शांति है घर गृहस्थी में सब बेकार हो जाएगी। बालक बच्चे हो गए? एक लड़का है। अच्छा, बच्चा कितना बड़ा हो? तीसरी में चल रहा, पिछले लॉकडाउन हो गया लड़का। अच्छा, तो लॉकडाउन में किया है तुमने? फुर्सत से किया है लॉकडाउन में? सही करा तुमने, लॉकडाउन में कर लिया, वो टाइम सही था, उस समय आदमी फ्री था ना, बिल्कुल बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम दिलवाते हैं भिक्षा लोगों को, तो हमारे गुरु जी हैं लाला संतोराम, घर गृहस्थी को हर महीने खर्चा मिलता है, खाने पीने का राशन फ्री मिलता है उनकी तरफ से, संस्था की तरफ से, आराम से 20-25 हजार रुपए महीना वहाँ से मिल जाते हैं, खाना पीना मिल जाता है, रहने को फ्लैट मिला हुआ है, और बच्चे बच्चे की तबीयत खराब हो फ्री इलाज घर का देते हैं। भिक्षा ले लो ना, तुम भी दिक्कत क्या आ रही है? परेशान से कैसे लग रही हो? ना परेशान से नहीं, आज तबीयत खराब है ना, दो दिन से। कल क्या हो गया? कल तो अचानक एक दिन दारू पी ली से। तुम दारू भांग सबका कॉकटेल बना रहे हो? अब संघ को एक संघ के ना मंगा, संघ के ज्यादा पिला रहे हैं। वैसे गोले में क्या प्रोटीन होता है? इसके ऊपर एक दारू हुई और एक भांग हुई और एक चिलम हुई, ये तो जूता मांगे 24 घंटा। अच्छा, मतलब जूता कैसे, जूता खाने पड़ते हैं ऐसे? नहीं, एक कहावत तुम बताइए वो। अच्छा, कहावत है, हमने सोचा कि भांग खाने के बाद जूता खाने की मन करता है। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, इनको अगर वो करवाना तो करवा ले, अगर लेना चाहे तो भिक्षा ले लोगे? ना उसमें करना क्या है आपको? माला मारा पहन नहीं है बस, ये जी क्या खा रहे हो? ये भी प्रोटीन है जी का चीज है। ओहो, हाथी छाप जी खाका के तुम नशेबाजी कर रहे हो, जा पहन लो और भिक्षा ले लो गुरुजी की, और एक फॉर्म पे साइन कर लो और चलो हमारे संग, तो मैं तुम्हारा जीवन सुधार रहे हैं। तुम तो आंख लाल करके घूमते रहोगे जिंदगी भर, ऐसे क्या होगा अभी बच्चों का? लो पहनो भिक्षा, लो भिक्षा नहीं ले सकते? हम भी पहनते हैं ऐसे, इसमें पहनने में क्या है? ऐसे पहननी है बस? नहीं बाबूजी, हम नहीं पहनेंगे। नहीं है, चेक देते हैं अभी आपको पास। नहीं बाबूजी, टू हैंड कैश का हो, कैश नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे बाबूजी। क्यों, क्या भिक्षा लेने में क्या डरा रहा है? नहीं लेंगे, साइन कर। डर लगता है? इंसान नहीं बनना चाहते, सुधरना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में? क्यों आप जोर तो सुधरना नहीं चाहते हो आप? सुधर लेंगे हम, आप छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? आज, आज तो छोड़ देंगे। तो भिक्षा लेने में डर का भूत प्रेत थोड़ी चुपक रहे हैं भिक्षा लेने में? नहीं, काम गलत नहीं, काम थोड़ी कह रहे हैं, तुम तो अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं, कहते जीवन सुधारो, क्या हालत कर रखी है आपने अपनी, देख रहे हो? नहीं, हम
आके आपकी कैसी हो रही है देखो, आप फिर मसाला खा रहे हो। तम्बाकू खाते क्यों, अब क्यों खा रहे हो फिर इसे? अब नहीं खाते। फेंकिए आप इसे बाहर, फेंकिए। आज के बाद आप मसाला खाएंगे? नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे। भांग खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। गुरु जी की शरण में डाल देंगे आपको, ऐसा कर देंगे बिल्कुल सीधा गाय जैसा। नहीं, अब नहीं खाएंगे आप। पता है आपको वो क्या करते हैं? आगे आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, आपको ऐसी गोली देंगे सब काम खत्म। करवाएं आपका ये काम? गुरु जी नहीं है, एकदम करवाएं आपका ये काम? कुछ नहीं है, काट देंगे वो खत्म। बाल खत्म भाभी। अब के बाद करोगे आपने सेवाजी? भांग खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। हाथी साहब खाएंगे? नहीं। और आज के बाद आपने खाया तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप फिर जाके खाएंगे? आप मानेंगे ना सेवाजी? आदमी मानता नहीं है। नहीं, आप खा लिया आप कसम खा लिया, हम अपनी नहीं खाएंगे। कभी नहीं खाएंगे? कभी नहीं। नहीं तो गुरु जी का हमारा बहुत बड़ा प्रकोप है, पूरे प्रशासन से लेके माता का घर से बुलवा लेंगे आपको। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, नशेबाज हमें यहाँ दिख गए ना, हम तुरंत कंप्लेंट करवाते हैं उसकी और गुरु जी से कहकर उठवा लेते हैं। हमारी इतनी जुगाड़ है, अपनी किस्म करें, हम अपनी छोड़ देंगे। 4 दिन आप जेल में बंद रहोगे, उसके बाद नशेबाज साहब छोड़ दोगे? आपसे कहते हैं आप छोड़ देंगे, अपनी किस्म खा लिया। बोलो जयवालाल देव की, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सर पे लगाइए इसे, नहीं आपको पहननी नहीं है, सर पे लगाइए, सर पे लगाइए अच्छे से, माथे पे लगा के बोलो कभी गलत काम नहीं करूंगा। अगर मैं गलत काम करूं तो मुझे उसकी सजा मिले, बोलो। तो आप गलत काम नहीं करेंगे, इन्होंने हमसे वादा किया है। हाथी साहब कहाँ है आपके? तो क्यों रखे बैठे हो? अभी तो देखिए इसे, आप नशेबाजी बंद है ना आपसे? आपकी नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिए हम, ठीक है ना? चलिए हम आपको एक बात बताते हैं, हम आपके संग कर रहे थे एक मजाक करते हैं, हम लोगों को वीडियोस बना के दिखाते हैं ताकि लोग किसी अनजान की गाड़ी में ना बैठें कभी। और दूसरी बात, नशेबाजी करना बहुत गलत काम है। आप कान पकड़ के बोलिए आज के बाद कभी नहीं खाएंगे। पब्लिक से बोलिए नशेबाजी करना गलत है, बिल्कुल गलत है। जोर से बोलिए कैमरे की तरफ देख के, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? नशेबाजी तो, नशेबाजी करने से शरीर को नुकसान पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है ना? तो आज के बाद आप नशेबाजी नहीं करेंगे और लोगों से कहें आप लोग भी नशेबाजी ना करें। आप लोग नशेबाजी नहीं करें, हमने से। गाइस मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, भैया को मैंने ज्यादा नहीं डराया और वैसे भी भाई ने कोई नशा कर रखा है सस्ता वाला, इन्होंने बताया था, तो ये वैसे भी ज्यादा डरने वाले नहीं थे, लेकिन घबरा तो गए थे, घबरा गए थे ना। आज के बाद आप नशेबाजी करेंगे? नहीं, गलत है गाइस। प्लीज अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं ये सब करके? आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका फ्यूचर देखिए। तो प्लीज गाइस ये सब मत करिए और सुरक्षित रहें, अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें ताकि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। अब टाइम है भैया को एक तोहफा देने का, भैया के लिए तोहफा है हमारी तरफ से, इनके लिए प्यार लीजिए भैया, घबराइए नहीं, लीजिए लीजिए। तो गाइस बस यही कहूंगा कि किसी अनजान की गाड़ी में ना बैठें। तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लव यू गाइस।